निकालने के लिए आज हमने वीना मैम जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे परमिशन ली। उनके सपोर्ट के साथ हमने आज यहाँ पर एक लेक्चर अरेंज किया और बच्चों को गाइड किया कि वो सीए कोर्स में आए और इसमें अपना एक सक्सेसफुल फ्यूचर अचीव करें। अकाउंटेंट एसोसिएशन ऑफ नकोदर की तरफ से प्रधान हेमंत शर्मा के नेतृत्व में जीएसटी पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री नरेश चावला एडवोकेट जलंधर विशेष तौर पहुंचे और नरेश चावला जी ने जीएसटी में अकाउंटेंट और व्यापारियों को जो मुश्किलें आ रही हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया और उन्होंने मुश्किलों का हल भी बताया। स्थानिक अकाउंटेंट एसोसिएशन ऑफ नकोदर की तरफ से प्रधान हेमंत शर्मा के नेतृत्व में जीएसटी पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। मंच संचालन की जिम्मेदारी सेक्रेटरी सुखदेव सिंह की तरफ से बखूबी निभाई गई। इस मौके पर श्री नरेश चावला एडवोकेट जलंधर विशेष तौर पर पहुंचे और नरेश चावला जी ने जीएसटी में अकाउंटेंट और व्यापारियों को जो मुश्किलें आ रही हैं उनके बारे विस्तार पूर्वक बताया और उन्होंने मुश्किलों का हल भी बताया। इस सेमिनार में टैक्स इंस्पेक्टर श्री पंकज और सतनाम उपस्थित हुए। इस सेमिनार में नकोदर शाहकोट लोहिया और नूर महल के अकाउंटेंट ने भी हिस्सा लिया। प्रधान हेमंत शर्मा ने बताया कि एसोसिएशन का सेमिनार करवाने का मकसद यह है कि व्यापारियों को किसी तरह की कोई मुश्किल ना आए। चाहे सरकार व्यापारियों को छूट तो काफी दे रही है परंतु फिर भी जीएसटी की मुश्किलों को कम नहीं कर रही। आज जीएसटी के उत्ते तीसरा सैमीनार किया जा रहा है जिस विच विशेष रूप दे विच श्री नरेश चावला जी जिहड़े कि एडवोकेट ने जीएसटी एक्सपर्ट ने उन्होंने अकाउंटेंट एसोसीएशन वालों असी नकोदर लदर पैलेस के बुलाया है ताकि सारे साढ़े सारे ही अकाउंटेंट भरा इस जीएसटी के जिहड़ियां होर भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं उन्होंने चावला साहब के कोल असी जाणू होईए। जे असी अपने एडवोकेट साथियों नाल अपने सीए साथियों को कुछ चीज़ा सीखांगे ता ही अपने बिजनेसमैन भरावां दा जिन्हां दे कोलों दा असी काम काज करते हैं उन्होंने असी बेहतर सेवावां दे पाऊंगे। जिन्नी देर तक सानू ही इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी उन्नी देर तक असी बिजनेसमैन दे नाल इंसाफ नहीं कर पावांगे। इस मंत्र नूं लैके अकाउंटेंट एसोसीएशन नकोदर वालों अज तीसरा सैमीनार करवा रहे हैं जिस दे विच कि साढ़े नकोदर लोहिया शाहकोट।